गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इज ट्विंकल चैनल। एंड आज है 15th of August यानी कि हम लोगों का आज़ादी का दिन। सो मेरे तरफ से एंड मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। को 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी एंड रिया भी रेडी हो रही है। हम लोग पैरेड ग्राउंड में जाएंगे, जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो की वॉचिंग, मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी एंड आप देखिए बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो कर रही हूँ। सो की वॉचिंग गाइस। एंड यहाँ पे भी फ्लैग होस्टिंग कर दिया, हाँ सुंदर लगता है ना। जाओ, थैंक यू मधुन ने। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया अपना स्कूटी एंड बाइक पार्किंग एंड यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोगों को पैदल। सो चलिए चलते हैं। कितने सारे लोग जा रहे हैं यार, देखे सब हर घर से लोग बाहर निकले हैं एंड हर कोई जा रहे हैं एंड साथ में हम भी चल रहे हैं। एंड ये है रिया एंड मधु। हाय को मधु, हाय को। हाय। गाइस इतना एक्साइटमेंट देखिए, इतना धूप में, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप दिया है एंड फिर भी हम लोग चल चल के आ रहे हैं। एंड ये है हम लोगों का ग्रुप एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सन इज आवर गोशाइगो पुलिस स्टेशन, नया न्यूली बिल्ड हुआ है। मेरी माता मेरी मेरा देश, बाद में आके पोस्ट देंगे उसमें। एंड सी द क्राउड्स, बहुत क्राउड क्राउड हर जगह पे क्राउड। सैल्यूट देम फॉर देयर ड्यूटी।
বহু প্রতীক্ষিত প্যারেড গোসাগাঁও কেরাটি কৈ বিভিন্ন সরকারি তথা বেসরকারি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীসকলে এই প্যারেডত অংশগ্রহণ করেছে। লগতে আছে আমার গোসাগাঁও কলেজ এন সি সি আর আছে 31st ব্যাটেলিয়ন এস এস বি মহিলা ক্যাডেটসকল। Ladies and gentlemen, now the presentation of first person. First of all, the Assam Police led by Command Commander Officer Colonel Devla, followed by एंड यहाँ पे डांस हम लोगों ने पैरेड देख लिया, डांस देख लिया एंड अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा, तो चलिए घर चलते हैं एंड घर में बातें करते हैं थोड़ा सा। एंड हम लोगों के साथ जो जो आए थे मैक्सिमम लोग चले गए, मतलब वो बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा गर्मी था तो उन लोगों को गर्म लग रहा था, तो फिर बोला कि नहीं हम लोग चले जाते हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे क्राउड एवरीवेयर, इतना जैसे कि मेला लगा हुआ है, लेकिन एक अच्छा फीलिंग्स आता है, मतलब फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड सब खाने पीने में व्यस्त, मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग भी चलिए गन्ने के जूस पी के। एंड चलते चलते फाइनली स्कूटी के पास आ गए एंड चलते हैं घर। चलिए एंड हम लोग थके हारे घर वापस आ गए हैं, पूरा गर्मी में पसीना पसीना होके। एंड ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब चावल का बोरी है, क्योंकि घर में ही खेती, मतलब खेती है हम लोगों का एनिवेली भी। एंड उसके बाद मतलब क्या बोलूँ, इतना गर्मी, इतना पसीना,
लेकिन ओवरऑल ये है बात, मेन बात ये है कि जाने के बाद एक अच्छा लगा, मतलब बहुत दिनों के बाद गई हूँ, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में थे तब भी हम लोग मतलब पैरेट में शामिल होते थे एंड बहुत अच्छे से पैरेट प्रैक्टिस करते थे, जाते थे, घूमते थे, खाते थे, एंजॉय करते थे दोस्तों के साथ। एंड स्कूल टाइम का कुछ जो वो है ना, एक अलग ही होता है मतलब मज़ा। आज मतलब बहुत सालों के बाद जाने के बाद इतना मिस किया मैंने अपने फ्रेंड्स को, इतना मिस किया अपने स्कूल को। आज के डेट पे भी हम लोगों का स्कूल ने पार्टिसिपेट किया एंड जो टीचर हम लोगों को मतलब प्रैक्टिस कराता था, आज वही टीचर अभी भी मतलब प्रैक्टिस करा रहा था एंड करा रहा है, तो अच्छा लगा देख के। मतलब पुराने ओल्ड मेमोरीज बहुत ज़्यादा ताज़ा हो गया एंड अपने दोस्तों को मतलब बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई मिस यू गाइस सो मच एंड स्कूल फ्रेंड्स का मतलब बात ही कुछ अलग होता है। एंड अभी तो मैं फ़िलहाल खा रही हूँ लड्डू जो कि हम लोगों को मिला था उस टाइम में, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, लड्डू एंड भुजिया है। एंड गाइस मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट किया आज एंड आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे वीडियोस पे आप लोगों का ढेर 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 सारा प्यार देना। एंड आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉगिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मतलब कमेंट पे बता सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि फिर से मैं YouTube कंटिन्यू करूँ, मतलब बीच में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गया था मेरे लाइफ में, दूसरे दिन कभी शेयर करूँगी। एंड मेरे भी मतलब हिंदी में इतना आप लोग मत जाइए क्योंकि मेरा हिंदी इतना इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जो भी आज मैं जितना भी बोल लेती हूँ बस मेरी दोस्त जो आप लोगों को बीच बीच में दिखाई देता है स्नेहा, उसी के वजह से मतलब मैं इतना बोल लेती हूँ ठीक ठाक मुझे लगता है। सो गाइस ये जो टीवी है ना पुराना पीछे में, ये मेरे पापा ने ख़रीदा था बहुत 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 साल पहले का टीवी है एंड मैंने सोचा कि इसको हम लोग कभी मतलब अगर चेंज, दूसरा टीवी तो है लेकिन फिर भी मुझे मतलब इसको वो नहीं करना है क्योंकि ये पापा का निशानी है एंड ऑफ कोर्स मैं ये रखूँगी। कुछ कुछ चीज़ें है जो अभी मतलब है हमारे साथ, मैं उन चीज़ों को मैं समेट के रखने का मतलब कोशिश करूँगी और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। एनीवे बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए, जितना भी हो सकता है आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे।